नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। जिस वक्त 130 करोड़ भारतीय सोने की तैयारी कर रहे थे, पेंगोंग के दक्षिण किनारे पर एक बार फिर पराक्रम की गाथा लिखी जा रही थी, या ठीक वही शौर्य प्रदर्शन हो रहा था जो 29 अगस्त की रात और 30 अगस्त की सुबह हुआ था। भारत के रणबांकुरों ने अपनी वीरता को साबित करके सेनपाई की ऊंचाइयों को भी भारत के मस्तक का हिस्सा बना दिया है। यहां मौजूद चीनी सैनिकों को फिर से अपना बोरिया बिस्तर उठाकर सेनपाओ से भागना पड़ा। यानी भारत के योद्धा चीन को उसी की भाषा में सबक सिखाने के लिए न केवल अपने कदम बढ़ा चुके हैं, बल्कि उसकी हर चुनौती का माकूल जवाब भी दे रहे हैं। सेनपाओ की पहाड़ी पर कब्जे के बाद भारत के जवान चीन के सिर पर बैठ चुके हैं। अब चीन का मोल्डो सैन्य कैंप पूरी तरह से भारतीय सेना के निशाने पर आ गया है। अगर चीन की तरफ से कोई भी गुस्ताखी हुई तो भारत बहुत ही आसानी से उसे नेस्तनाबूद कर देगा। बड़ी बात यह है कि ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप पर तैनात भारतीय सेना चीन के घुसने वाले रास्ते इस पांगुर गैप को भी ध्वस्त कर सकती है। इसका मतलब यह है कि इंडियन आर्मी ने जिस आक्रामक नीति का आगाज किया है, उसमें चालबाज चीन का सुपर पावर का ताज उखड़ चुका है और भारत उसकी हर मात पर चीन में घुसता जा रहा है। हमने पहले भी बताया था कि अगले 48 घंटे बेअदम होने वाले हैं। चीन की पलटवार करने की पूरी पूरी आशंका थी, मगर लगता यूं है कि भारत उसे संभलने का कोई मौका नहीं दे रहा है। 29-30 अगस्त के बाद से भारतीय सेना ने 1 सितंबर को चुमार में भी एक ऑपरेशन लॉन्च करके चीन के पैर उखाड़ दिए थे। यानी इस वक्त चीन पीठ दिखाकर आगे आगे दौड़ रहा है और भारत है कि उसे ठोकने के लिए आगे बढ़ा जाता है। जानकर गर्व होगा कि भारतीय सेना फिंगर 4 से आगे की ओर मूव कर रही है। अब भारतीय सेना का बड़ा लक्ष्य है फिंगर 8 तक की तमाम हाइट को अपने अधिकार में लेना है। भारत के जवान फिंगर 4 और 5 के बीच में मौजूद है। भारत की प्लानिंग यही है कि इन सभी हाइट्स को एक एक करके चीन से मुक्त कराया जाए। उसके बाद एक साल तक भारतीय ऊंचाइयों पर तैनाती का प्लान रेडी कर चुका है। पूरे एक साल तक जो यहां पर जमा रहेगा वह उसी का हिस्सा हो जाएगा। पहाड़ी युद्ध कौशल में माहिर भारतीय जवान ऐसा करने में पूरी तरह सक्षम है, जबकि चीन की घबराहट अब बढ़ने लगी है। बाजी पलटकर सीधे भारत के हाथ में आ गई है। नो मैन्स लैंड जोन में 5 किलोमीटर इलाके पर अधिकार कर चुकी भारतीय सेना पेंगोंग और गलवान के ज्यादा से ज्यादा एरिया पर अपनी पकड़ मजबूत कर लेना चाहती है। ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप पर भारतीय सेना के पराक्रम ने चीनी सैनिकों को भारी क्षति पहुंचाई थी। हमारी उस खबर की पुष्टि यूरेशियन टाइम्स ने भी की थी। एलएसी पर मौजूद हमारे सूत्र से मिली जानकारी के अनुसार सेनपाओ की पहाड़ी पर कल हुई झड़प में पीपल्स लिबरेशन आर्मी के कई सैनिक हाथ पैर तुड़वाकर गए हैं। इस झड़प में कितने चीनी माओ घाट जाते जाते रह गए, इसकी खबर भी जल्दी ही मिल जाएगी। मगर यह संघर्ष 29-30 अगस्त की रात हुए टकराव से बिल्कुल भी कम नहीं है। 1968 के बाद यह पहला मौका है जब लद्दाख एलएसी पर गोलीबारी की घटना हुई है। स्पष्ट है कि यहां तनाव चरम पर पहुंच गया है, जिसमें दोनों तरफ के जवानों को अपने हथियार इस्तेमाल करने पड़े हैं। बड़ी बात यह है कि 1996 के चीन भारत समझौते के मुताबिक दोनों देशों के सैनिकों को एलएसी पर हथियार इस्तेमाल करने की मनाही थी। हालांकि गलवान की खूनी झड़प के बाद भारत ने अपनी आत्मरक्षा के लिए वेपन उपयोग करने का कमांडर को फैसला लेने का अधिकार दिया था। सेनपाओ की पहाड़ी पेंगोंग झील के दक्षिणी छोर पर स्थित है। इस पहाड़ी पर पीएलए का नियंत्रण रहा है और चीन से अपना हिस्सा मानता रहा है। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक सेनपाओ की चोटी एलएसी के पार चीन की तरफ है। प्रोपेगेंडा अखबार का आरोप है कि भारतीय सैनिक चीनी सीमा में घुस आए हैं और उन्होंने सेनपाओ की पहाड़ी पर अपनी तैनाती कर ली है। उसने लिखा है कि भारत सैनिक चीनी सैनिकों को धमकी दे रहे हैं। इस पहाड़ी पर कब्जे को लेकर यहां तकड़ा टकराव हुआ है। इस घटना में कितने चाइनीज हताहत हुए हैं, इसका विस्तृत ब्यौरा जुटाया जा रहा है। मगर हिल से लेकर मुखपारी, हेलमेट टॉप से ब्लैक टॉप, गुरुंग गोरखा हिल और रेजांगला में भारतीय सेना की पोजीशन बेहद मजबूत हो गई है। चीन यहां कितनी बुरी तरह हार रहा है वह समझना भी बहुत आवश्यक है। चीन को भारतीय सैनिकों से चोटी खाली कराने के लिए पूरी ताकत झोंकनी पड़ेगी, इतनी कि जिसकी सपने में भी कल्पना नहीं की जा सकती है। भारत ने यहां पर अपनी 3 ब्रिगेड तैनात की है। एक ब्रिगेड में अमूमन 10,000 जवान होते हैं। यानी भारत द्वारा इन पहाड़ों में 30,000 योद्धाओं को तैनात कर दिया गया है। अब असली रिश्व का खेल यहीं से शुरू होता है। अगर प्लेन में आमने सामने की जंग में जीतना हो तो दुश्मन के एक सैनिक के बदले 3 सैनिक उतारने पड़ते हैं, जबकि पहाड़ी युद्ध क्षेत्र में 1 सैनिक के मुकाबले 12 सैनिक लगाने पड़ते हैं। ऐसे में अगर चीन भारत से सभी हाइट्स को छुड़ाने की कोशिश करता है तो उसे 12 गुना ब्रिगेड लगानी पड़ेगी। मतलब इस ऑपरेशन के लिए उसे 3,60,000 सैनिकों की जरूरत पड़ेगी। चीन किसी भी परिस्थिति में अपने सैनिकों की इतनी बड़ी तादाद यहां डिप्लॉय नहीं कर सकता है, और अगर वह ऐसा करता है तो 3,480 किलोमीटर लंबी एलएसी पर चीन बुरी तरह से घिर जाएगा।
यानी भारत के सकारात्मक अंदाज ने चीन को पूरी तरह घुटनों पर ला दिया है। भारत के रणबांकुरे पूरी तरह एक्शन मोड में है। सेना जानती है कि कल पड़ी जबरदस्त मार से चीन बुरी तरह से बिलबिला रहा होगा, इसलिए वह अगले कुछ घंटों में पलटवार जरूर करेगा। भारत वायुसेना ने पहाड़ की चोटियों पर तैनात अपनी जवानों की सुरक्षा हेतु अपाचे हेलीकॉप्टर से चीन की निगरानी शुरू कर दी है। चोटियों पर मौजूद इंडियन सोल्जर भी आसानी से चीन की गतिविधियों को देख रहे हैं, जबकि इसके उलट पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को भारतीय सेना की गतिविधियों की कोई जानकारी नहीं है। चीन की खतरनाक कोशिश यही है कि वह किसी तरह रेजांग लाको फिर से हासिल कर ले। वह ऐसा करकर चुसूल तक अपना रास्ता साफ करना चाहता है, जहां से ले अधिक दूरी पर नहीं है, मगर ऐसी कार्रवाई करने की उसके पास कैपेबिलिटी भी नहीं है। माउंटेन वॉरफेयर में अनुभवी सेना भारत से और तगड़ा नुकसान उठा सकती है। इस हालत में उसके पास बयानबाजी और 8 पन्नों वाले अखबार ग्लोबल टाइम्स का ही सहारा है। यह अखबार भारत को इतनी धमकी दे चुका है जिससे भारत पर तो कोई मनोवैज्ञानिक दबाव नहीं पड़ा, उल्टे चीन के नागरिक ज्यादा घबरा रहे हैं। यानी चीन खुद ही सुपर पावर के तबले बजा रहा है और खुद ही चिड़िया डांस कर रहा है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के वेस्टर्न थिएटर कमांडर के प्रवक्ता झांग सुई ने भी अपनी टांग उठाई है, जिसमें उनके भीतर भारतीय सेना का डर साफ साफ झलकता है। उन्होंने कहा कि सेनपाओ की पहाड़ी पर दोनों देशों के सैनिकों में हुई गोलाबारी द्विपक्षीय समझौते का उल्लंघन है। झांग ने कहा कि वे भारत पक्ष से मांग करते हैं कि वे खतरनाक कदमों को रोके और फायरिंग करने वालों पर कार्रवाई करे, साथ ही सुनिश्चित करे कि ऐसी घटना दोबारा ना हो सके। परंतु यह बकलोली करते वक्त वे भूल गए कि एलएसी पर तनावपूर्ण हालात का दोषी चीन है। उसने जिस तरह से गलवान में अतिक्रमण करने की कोशिश की, भारत उसी का मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। चीन ने उत्तर में स्थिति बिगाड़ी, अब दक्षिण में भारतीय सेना उसके कसबल निकाल रही है। चीन पेंगोंग के उत्तरी छोर पर मजबूत है, मगर वह ज्यादा दिन तक अपनी पोजीशन बदस्तूर रख पाएगा यह अब नामुमकिन लगने लगा है, क्योंकि भारत दक्षिणी किनारे पर तिरंगा फहराकर अब उत्तरी किनारे से चीन के कदम उखाड़ने चल पड़ा है। यानी चीन के लिए केवल चुनौती ही नहीं है, बल्कि भारतीय जवानों ने उसके सामने चुनौतियों के पार खड़े कर दिए हैं, जिन्हें पार कर पाना चीन जैसे बकलोल बाकेलाल के बूते की बात नहीं है। पर लगता यूं है कि कल सेनपाओ की पहाड़ियों पर चली बंदूक की गोली दावा नल का आकार ले सकती है, क्योंकि 45 साल में एलएसी पर यह बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। कहने वाले तो इसे युद्ध की चिंगारी कह रहे हैं। अगर आने वाले दिनों में कुछ अप्रिय हुआ तो, इस बार नुकसान भारत का हुआ तो चीन को भी कई गुना क्षति उठानी पड़ेगी। यूं भी चीन इस वक्त भारी दबाव में है, और जब कोई देश दबाव में आकर जल्दबाजी में कोई कदम उठाता है तो उसकी हार का यह पहले पायदान होता है। या तो भारत की सेना रणनीतिक जीत पहले ही हासिल करके बैठी है, इसलिए इस बार चीन की पराजय भी कहीं ज्यादा बड़ी होगी। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।